शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार काफी समय से खाद्य तेलों की कीमतों को नीचे लाने के लिए प्रयास भी कर रही है। खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने काफी फैसले भी लिए हैं, जैसे 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल को शून्य आयात शुल्क पर 2 वर्षों के लिए आयात करने की अनुमति दी है, यानी 2022-23 और 2023-24 तक। सरकार का दावा है कि खाद्य तेलों की बढ़ती घरेलू कीमतों, घरेलू मांग में औसत वृद्धि और वैश्विक पाम तेल की उपलब्धता में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। वहीं इंडोनेशिया ने जो पाम तेल के आयात पर बैन लगाया था उसको भी वापस लिया है, जिससे भारत और वैश्विक बाजार में खाद्य तेलों की आपूर्ति बढ़ेगी। इसी बीच भारत सरकार का एक और फैसला आया कि पाम तेल के बेस इम्पोर्ट प्राइस में कटौती की गई है, जबकि सोयाबीन तेल का बेस इंपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया गया है। क्रूड और रिफाइंड पाम तेल के आधार पर आयात मूल्य घटा दिया गया है, जबकि क्रूड सोया ऑयल के आयात मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। कच्चा पाम तेल जो पहले $1703 प्रति टन के हिसाब से आयात किया जाता था, अब $1625 प्रति टन के मूल्य पर मिलेगा। इसी तरह RBD पाम तेल के आधार आयात मूल्य को भी $1765 प्रति टन से घटाकर $1733 कर दिया गया है। RBD पामोलिन का बेस इंपोर्ट प्राइस भी घटाकर $1744 किया गया है, जो अभी तक $1771 प्रति टन के हिसाब से आयात किया जाता था। सरकार ने जहां पाम ऑयल के आयात रेट में कटौती की है, वहीं कच्चे सोया तेल का आयात महंगा कर दिया है। अब कच्चे सोया तेल के प्रति टन आयात पर कारोबारियों को $1866 का भुगतान करना होगा, जो पहले $1827 किया जाता था। पिछले साल भी केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतों को रोकने के लिए काफी फैसले उठाए थे। केंद्र सरकार का दावा है कि पिछले एक साल से खाद्य तेल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को रोकने के लिए कच्चा पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर मूल शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया था। इन तेलों पर कृषि उपकर घटाकर 5% कर दिया गया था। इसी तरह रिफाइंड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी 32.5% से घटाकर 17.5% की गई थी। वहीं रिफाइंड पाम ऑयल पर बेसिक ड्यूटी 17.5% से घटाकर 12.5%। सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के मुफ्त आयात को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाया है। साथ ही खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 दिसंबर 2022 तक स्टॉक की सीमा भी लगाई है। वहीं खाद्य तेलों पर बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय केडिया का कहना है कि खाद्य तेलों पर सरकार के काफी फैसले आए हैं। उन्होंने पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान लंबी अवधि के लिए खाद्य तेलों का आउटलुक मंदी वाला ही बताया था। अप्रैल मई में खाद्य तेलों की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, जिससे डिमांड में कमी आई। खाद्य तेलों पर सिर्फ भारत सरकार ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ज्यादातर सरकारों ने फैसले लिए हैं, चाहे वह इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर लिए हों या फिर इंडोनेशिया जैसे देशों से निर्यात फिर चालू करके। इसी कारण खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई। लेकिन जो खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का सबसे बड़ा कारण रहा, वो रहा क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। यूरोपियन यूनियन रूस के कच्चे तेल को बैन करने की तैयारी में है। यूरोपियन यूनियन के फैसलों के बावजूद मार्केट में दबाव बन रहा है। क्रूड की कीमतें कुछ दिन पहले $120 के पार भी निकली थी, फिर थोड़ी नीचे भी आई। माना जा रहा है कि अगर 2 से 3 महीनों के दौरान कच्चे तेल में बड़ी गिरावट आ जाती है तो पाम तेल की खपत जो बायोफ्यूल बनाने में होती है वो कम हो जाएगी। और सरकार ने जो हाल ही में आयात शुल्क को लेकर कीमतें नीचे लाने के लिए जो फैसले लिए हैं, उनसे भी खाद्य तेलों की कीमतों पर असर पड़ेगा। हो सकता है कि अभी फिलहाल 2 हफ्तों तक के लिए खाद्य तेलों के दामों में कुछ स्थिरता रहे, लेकिन लंबी अवधि में खाद्य तेलों में ज्यादा तेजी नहीं दिखती है। अजय केडिया का कहना है कि सरकार खाद्य तेलों की कीमतों को नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है,
धीरे धीरे खाद्य तेलों के जो फंडामेंटल्स हैं वो भी बायस होते जा रहे हैं। अजय केडिया के अनुसार खाद्य तेलों से दूरी बनाकर रखनी सही रहेगी। कीमतों में गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। खाद्य तेलों में जो सबसे बड़ा गिरावट का कारण रहेगा इस बार वो रहेगा सोयाबीन की बुआई। अच्छे भाव मिलने से किसान इस बार सोयाबीन की बुआई ज्यादा कर सकते हैं, जैसा कि हमने 2021 में होते हुए भी देखा था। किसानों ने अच्छे भाव मिलने के चलते सरसों और रायडा की बुआई बढ़ाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।